किसान आंदोलन पार्ट टू अभी खत्म नहीं हुआ। पिछले दिनों कई संगठनों ने दिल्ली कूच के ऐलान के बाद अब रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया है। इस महापंचायत में शामिल होने के लिए बुधवार शाम से ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश के दूसरे राज्यों से किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच रहा है। इससे पहले बुधवार शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा और बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे कई किसानों को पुलिस ने नई दिल्ली एरिया में जाने से रोक दिया। इसको लेकर किसानों ने नाराजगी जाहिर की। किसान नेताओं ने कहा कि उन्हें महापंचायत में शामिल होने से रोका जा रहा है, वहां रुकने की परमिशन नहीं है, इसीलिए दूर से दिल्ली आ रहे किसानों के खाने पीने की व्यवस्था आसपास के गुरुद्वारों में की गई है, लेकिन पुलिस गुरुद्वारों तक भी उन्हें नहीं पहुंचने दे रही। इस महापंचायत में शामिल होने के लिए पुलिस ने करीब 5,000 लोगों को परमिशन दी है। वहीं किसान नेताओं का दावा है कि इस पे 25,000 से 30,000 किसान हिस्सा लेंगे। इससे पहले ट्रैक्टर और ट्रॉली से दिल्ली आ रहे किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं को पुलिस ने सील कर दिया था। बाद में किसान और प्रशासन के बीच बनी सहमति पर किसान इस महापंचायत में शामिल होने के लिए बस, ट्रेन और पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। वहीं किसान नेताओं का दावा है कि इस महापंचायत में कई ट्रेड यूनियन, क्षेत्रीय फेडरेशन और एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने यात्रियों को मध्य दिल्ली की ओर जाने वाली सड़कों के बीच के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। किसान संगठनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वो रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत आयोजित करेंगे। इसमें सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि पुलिस ने बताया है किसानों को दोपहर 2:30 बजे के बाद अपना कार्यक्रम समाप्त होने के तुरंत बाद मैदान खाली करने के लिए कहा गया है। अगर वो वादे का पालन नहीं करेंगे और दिल्ली में कानून व्यवस्था भंग करने में शामिल होते हैं तो सख्त कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार को रामलीला मैदान में किसानों के इकट्ठा होने के कारण दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में यातायात प्रभावित हो सकता है। किसानों के मार्च के मद्देनजर दिल्ली की 3 सीमाओं सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है।